हेलो दोस्तों, चूंकि मेरा ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो चुका है, 20 नौ को मेरा एग्ज़ाम था पटना में, और हम हर शिफ्ट का एग्ज़ाम का रिव्यू भी करवाते हैं, उसी बेसिक्स पे ये वीडियो बनाया गया है। ग्रुप डी का कोई भी ऐसा शिफ्ट नहीं है जिसमें पंचायती राज व्यवस्था से 1 से 2 क्वेश्चन ना देखने मिला हो। तो आप लोग बस जितना मेरा आपको दिख रहा है बस इतना कर लीजिए, इससे बाहर पंचायती राज व्यवस्था से क्वेश्चन नहीं आएगा। यदि आएगा तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, ठीक है। बाकी आप पंचायती राज व्यवस्था से इतना ही पढ़ लीजिए जितना हम लिखा है, मोस्ट MBBI सारा लिखा है, इतना ही कर लीजिए। इसी के अंदर से क्वेश्चन पूछा जाता है और हर शिफ्ट में पंचायती राज व्यवस्था से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टेलीग्राम का लिंक है वहाँ पे मिलेगा, ठीक है। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या है, लॉर्ड रिपन का कार्यकाल पंचायती राज का स्वर्णकाल कहलाता है। किसका कार्यकाल? तो लॉर्ड रिपन का कार्यकाल पंचायती राज का स्वर्णकाल कहलाता है। अस्थाई स्वशासन का पिता भी कहा जाता है, किसको? लॉर्ड रिपन को, याद रखिएगा। अगला पॉइंट क्या है, बलवंत राय मेहता समिति। देखिए ये सब समिति है जो बताया, मतलब त्रिस्तरीय व्यवस्था, द्विस्तरीय, अपने अनुसार सब बताया है, ठीक है। देखिए देखते हैं हम लोग बलवंत राय मेहता समिति, सिर्फ इसमें इतना याद रखिए। देखिए बलवंत राय मेहता समिति कब आया, 1957 में ये त्रिस्तरीय व्यवस्था लाया, ठीक है। अशोक मेहता समिति 1970 द्विस्तरीय व्यवस्था, PBK राय समिति 1985 चार स्तरीय व्यवस्था, बस स्तरीय व्यवस्था ये तीनों का याद रखिएगा बस। LM सिंधवी समिति 1986 में आया, 64वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ, और 73वां संविधान संशोधन कब हुआ, 1993 में हुआ, ठीक है। जितना बता रहा हूँ बस इतना ही याद करिए आप, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं रहने वाला, क्वेश्चन इससे बाहर रहेगा चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, वीडियो को डिसलाइक करना। हम लोग देखिए इंपॉर्टेंट सब पॉइंट करते, सिर्फ लिखा हुआ देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, 2 अक्टूबर 1959, यही वो दिन है 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर ज़िले से स्टार्ट किया गया था पंचायती राज व्यवस्था, याद रखिएगा। अब देखिए पूछ देगा आपको भारत के किस किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है, तो उसका शानदार ट्रिक हम लिखे हुए हैं, मी में ना है, मतलब क्या हो, मी से मिजोरम, मे से मेघालय और ना से नागालैंड, मतलब मिजोरम, मेघालय और नागालैंड में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। और केंद्र शासित प्रदेश का बात करूँ मैं तो दिल्ली में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं क्या है, देखिए पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुआ, 73वां संविधान संशोधन 1993 को 24 अप्रैल, 24 अप्रैल है पंचायती राज व्यवस्था दिवस, ठीक है, 24 अप्रैल याद रखिएगा। भाग कितना में है, भाग 9 में है, अनुच्छेद 243 में है, कौशे 9 तक, जिसमें 16 अनुच्छेद आता है कौशे 9 तक में, अनुसूची कितना में, 11 में, सब MBBI लिखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबको पूरा रट जाना, चार्ट जाना। आगे बात करते हैं जो 16 अनुच्छेद है इसे पंचायती राज में, तो इसका हम लोग लगभग 13-14 लिखे हुए हैं, सब इंपॉर्टेंट सब लिखा हुआ है। देखिए A4 अनुच्छेद, ठीक है, अनुच्छेद 243 का बात करें तो इसमें परिभाषा दिया गया है पंचायती राज व्यवस्था का। अनुच्छेद 243A का बात करें तो ग्राम सभा का उल्लेख है इसमें। अनुच्छेद 243B का बात करें तो देखिए अब पंचायती राज चला तो पंचायती राज का गठन। अनुच्छेद 243 का C में है संरचना, पंचायती राज का संरचना। 243 का D में है सीटों का आरक्षण। अनुच्छेद 243E में है पंचायतों का अवधि कि 5 साल तक का होगा, ठीक है, पंचायत ई में है 243 के ई में, चूँकि पंचायत 243 में है तो इसी 243 से ए से 9 तक है, को से 9 तक है, यहाँ बताया भी ए से ओ तक है, ठीक है। अब अगला है अनुच्छेद 243F, पंचायत सदस्य का चुनाव आयु 21 वर्ष होगा। अनुच्छेद 243G में है पंचायत का शक्ति अधिकार। आई में क्या है, 243 के आई में राज्य वित्त आयोग का गठन। अनुच्छेद 243J में है पंचायतों के खातों की लेखा परीक्षा। अनुच्छेद 243K में है पंचायतों का चुनाव, बहुत इंपॉर्टेंट है ये याद रखिएगा। 243L में केंद्र शासित प्रदेश आवेदन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ओ वाला। अनुच्छेद 243 चुनावी मामले में अदालतों के हस्तक्षेप रोक। देखिए जितना भी लिखा गया है इसमें आप लोग से रिक्वेस्ट, जितना आपको दिख रहा है सामने इतना कर लीजिए, इससे बाहर यदि आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन रहेगा तो आके आप लोग कॉमेंट कीजिएगा, वीडियो को अनलाइक कीजिएगा, ठीक है। बाकी वीडियो बस इतना कर लीजिए, आपका एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा पंचायती राज व्यवस्था से। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।